मैंने प्री रिलायंस की वेबसाइट को हैक कर लिया है और अब उनके सारे ट्रांजैक्शन का पैसा मेरे पास आएगा। एक हैकर ने प्री रिलायंस की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उनपे होने वाले ट्रांजैक्शन का पैसा उसके पास जा रहा था। कंपनी डिटेक्टिव मेहुल से मदद लेने के लिए अपने एम्प्लॉय पूर्वी को मेहुल के घर भेजती है। पूर्वी डिटेक्टिव मेहुल से कहती है, सर हमारी कंपनी बहुत मुसीबत में है, आपकी मदद चाहिए। और पूर्वी मेहुल को सारी बात बताती है, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी वेबसाइट की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसके बारे में ऑफिस को किन किन लोगों को पता है और किन किन लोगों को उसका एक्सेस है। सर मेरी मैनेजर अंकिता और गौरव को पता है, अंकिता ईमेल्स पे रिप्लाई करती है और गौरव वेबसाइट्स पे अपडेट करता है। फिर डिटेक्टिव मेहुल उसे अपने लैपटॉप पे कंपनी का लॉगिन करने को कहता है जिससे वो हैकिंग कैसे हुई वो पता कर सके। अंकिता वहां से चले जाती है। मेहुल ईमेल्स चेक करना शुरू कर देता है। मेहुल को 3 ईमेल्स एक जैसे लगते हैं जिनमें से एक ईमेल पे उसको शक जाता है। क्या आप तीनों ईमेल को देख के बता सकते हैं कौन से ईमेल पे आपको शक आ रहा है? ईमेल पे लिखा है आपका पासवर्ड चेंज कीजिए, तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तीनों ईमेल्स के सेंडर देखिए। फ्रॉम, पहला HDFC बैंक से है तो वो ऑफिशियल होगा, दूसरा ICICI बैंक से है मतलब वो भी ऑफिशियल होगा। शायद दोनों कंपनी को अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन तीसरा जीमेल अकाउंट से है। अब जीमेल से कोई पासवर्ड रीसेट के लिए ईमेल क्यों करेगा? मतलब ये किसी पर्सनल बंदे ने भेजा है, मतलब यही हैकर का ईमेल होगा। इंटरेस्टिंग, मतलब इस ईमेल के जरिए हैकिंग हुई है। लॉजिकल आर्मी, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, हमेशा पैसे और पासवर्ड वाले ईमेल्स में सेंडर कौन है ये जरूर ध्यान दीजिए। मेहुल ईमेल को ध्यान से देखता है तो उसे प्रीलायंस कंपनी का नीचे लोगो दिखता है। इंटरेस्टिंग, मतलब ये ईमेल कंपनी के ही किसी ने भेजा है और गलती से आदत के वजह से लोगो डाल दिया। क्या आप सोच के बता सकते हैं अंकिता, गौरव और मैनेजर में कौन हो सकता है जिसने ये ईमेल किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ईमेल्स का एक्सेस अंकिता को था, वो ईमेल्स करती थी और उनपे रिप्लाई करती थी। मतलब कंपनी लोगों का इस्तेमाल ईमेल में वही करती होगी। उसने जब बाहर से जीमेल से ईमेल किया तो उससे यही गलती हो गई, आदत की वजह से उसने कंपनी लोगो डाल दिया। डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है, अंकिता मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है, अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया था? अंकिता डर जाती है और डरते हुए कहती है, सर वो हैकर मुझे डरा रहा था, मारने की धमकी दे रहा था, मुझे रोज उसके ईमेल्स आते थे और एक दिन अकाउंट में पैसे आ गए। उसने नकली वेबसाइट बना के पासवर्ड रीसेट का ईमेल मुझे करने बोला जिससे उसे यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए। मैं डर गई थी सर और मैंने ईमेल कर दिया। देखो तुमने जो किया वो बहुत बुरा किया, मगर मैं तुम्हारी सजा कम कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे क्या करना होगा सर? तुम्हें फर्जी तरीके से उसी हैकर को वापस ईमेल मैसेज करना होगा, वो उस पर रिप्लाई करेगा और मैं उसका IP एड्रेस से लोकेशन ट्रैक कर लूंगा। मेहुल ने जैसे बोला था वैसे ही अंकिता ने हैकर को ईमेल डाल दिया। थोड़ी देर बाद उसी हैकर का रिप्लाई आया। डिटेक्टिव मेहुल ने IT टीम की मदद से IP को ट्रैक किया और लोकेशन तक पहुंच गया। लोकेशन एक कंप्यूटर कैफे का था। जब तक मेहुल वहां पहुंचता वो आदमी वहां से भाग चुका था। डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि हैकर बहुत शातिर है। वो अंकिता को वापस उस हैकर को ईमेल करने बोलता है, वापस उसका रिप्लाई आता है और इस बार कोई दूसरे कंप्यूटर कैफे का लोकेशन मिलता है। मेहुल वापस वहां पहुंचता है तो हैकर वहां से भाग जाता है। हर बार हैकर डिफरेंट कंप्यूटर कैफे से अंकिता को ईमेल और उन पर रिप्लाई कर रहा था तो उसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। मेहुल सारे कैफे को मैप पे मार्क करता है और पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, तो मेहुल को पैटर्न समझ जाता है। क्या आपको समझा? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं कि यह पैटर्न क्या है। पैटर्न हेक्सागन बना रहा है। इस तरह से लोकेशन को लाइन से जोड़ेंगे तो एक इनकम्प्लीट हेक्सागन बन जाएगा और जैसे ही लास्ट लाइन को जोड़ेंगे तो एक कम्प्लीट हेक्सागन बन जाएगा। मतलब अगली लोकेशन हैकर की ये होगी। मेहुल लोकेशन पे पहले से पहुंच जाता है और हैकर को पकड़ लेता है। मिस्टर हैकर तुम पकड़े गए हो। तुम कौन हो? तुमको कैसे समझा? और मैं हैकर नहीं हूँ। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे पता है तुम बस एक मोहरा हो,
तुम्हें क्या फायदा होगा प्री रिलायंस को नुकसान करके? कौन है तुम्हारे पीछे? सर मुझे नहीं पता वो कौन है। सर मैं हैकर भी नहीं हूँ, मुझे बस रिप्लाई क्या करना है वो बोला जाता था और मैं दूसरे कैफे में जाके मैसेज किया करता था। इंटरेस्टिंग, मतलब हैकर बहुत शातिर है। सर मुझे हैकर के फोन पे मैसेजेस आते थे और मैं उसी हिसाब से काम करता था। सर ये देखिए हैकर के मैसेजेस, इन मैसेजेस को देख के क्या आपको कोई क्लूज मिल रहे हैं? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, चाहिए तो पॉज करके अच्छे से सोचिए। मैसेजेस पर्सनल फोन से नहीं, गेटवे से आ रहे थे। सारे मैसेजेस टीएम गेटवे के हैं, मतलब इस कंपनी से कुछ पता चल सकता है। मेहुल टीएम कंपनी को कांटेक्ट करता है और हैकर की लोकेशन पता करता है। लोकेशन एक बॉयज हॉस्टल की है जहां पे 3 रूम है। मेहुल तीनों रूम में जाता है। यह है रूम ए, यह है रूम बी और यह है रूम सी। क्या आप तीनों रूम को देख के बता सकते हैं हैकर का रूम कौन सा हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। ए में मैनेजमेंट के बुक्स दिख रही है, बी में फाइनेंस के बुक्स दिख रही है, लेकिन सी में हैकिंग और कोडिंग्स के बुक दिख रहे हैं। शायद यही हैकर का रूम हो। मेहुल हैकर के रूम में जाता है और उसे पकड़ लेता है और हैकर सब कबूल कर लेता है। मैंने ये सब पैसों के लिए किया, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे कॉलेज की फीस भरनी पड़ती है, मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे क्वीन फिशर के एक आदमी ने कहा था। इंटरेस्टिंग, मतलब क्वीन फिशर रिलायंस का नुकसान करके प्रॉफिट बना रही है, लेकिन अब उनका मैं पर्दाफाश कर दूंगा। मुझे तुम्हारी मदद लगेगी उस आदमी तक पहुंचने के लिए और क्वीन फिशर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। हाँ सर, मैं आपकी मदद करूंगा। उस आदमी के बारे में तुम्हें क्या पता है? सर हर बार हम अलग अलग कैफे में मिलते थे, उसका चेहरा छुपा हुआ होता था तो मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन हाँ सर, एक चीज ऑब्जर्व की, वो हमेशा एक पर्टिकुलर पैटर्न में शर्ट और पैंट पहन के आता था, लेकिन मुझे वो पैटर्न नहीं समझा। पहले दिन वो आदमी ये शर्ट और ये पैंट पहन के आया था, दूसरे दिन ये पहन के आया था और तीसरे दिन ये पहन के आया था। मेहुल उसके कपड़े देख के पैटर्न समझ जाता है और तुरंत क्वीन फिशर के ऑफिस जाता है, जहां उसे 3 लोगों पे शक जाता है। क्या आप तीनों के कपड़ों के कलर्स को देख के बता सकते हैं? जो हैकर से मिलता था वो कौन है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वो आदमी हमेशा सेम लेटर से शुरू होने वाले कपड़े पहनता था, जैसे पहला ब्लू ब्लैक बी, फिर पर्पल पिंक पी और फिर ब्राउन ब्लू बी, और ये तीनों में ये दूसरे आदमी ने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ है, दोनों बी से शुरू होते हैं। मेहुल उस आदमी को पकड़ लेता है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। उसके पास से पूरे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे प्रूफ हो जाता है कि क्वीन फिशर कंपनी चीटिंग करके बिजनेस कर रही थी। रिलायंस की वेबसाइट भी वापस शुरू हो जाती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ऐसे और केसेस सॉल्व करने के लिए मिस्टर डिटेक्टिव 2 गेम भी आ गया है। पहले मिस्टर डिटेक्टिव में 200 लेवल थे, इसमें भी 200 लेवल है, तो जल्दी से गेम को डाउनलोड कर लीजिए और हाँ गेम को 5-स्टार रेटिंग भी जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक गुफा में फंस जाता है। गुफा से निकलने के लिए मेहुल को सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग है, जहां जाते ही मेहुल जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीले स्नेक्स है, जहां से निकलना नामुमकिन है। और तीसरे दरवाजे के पीछे आइस का लंबा रास्ता है, जिसको मेहुल चल के कभी पार नहीं कर पाएगा, ठिठुर के मर जाएगा। तो सोचिए और मुझे बताए कैसे निकल पाएगा मेहुल गुफा से। सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल ने सबसे पहले ट्री से एक लकड़ी तोड़ी और उसमें आग लगा दी। फिर वो आइस वाले डोर में गया और हीट के वजह से आइस पिघलाने लगा और पानी बाल्टी में कलेक्ट कर लिया और फिर वो बाल्टी का पानी आग में डालने लगा। ऐसा करके धीरे धीरे मेहुल ने पूरी आग बुझा दी और डोर 1 से निकल गया। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।